खारिश और चुभन। जलन, खारिश और चुभन होती है, ऊपर से वो मलने को जी करता है, तो ये अंकों में इसका ये प्रॉब्लम हो जाता है। अंकों से पानी बहा का बहने लगता, पानी का बहाव, गंदा मादा अंकों से निकलना शुरू हो जाता है, ये भी इसकी अलामत है। और कई दफा ऐसा होता है कि सर में भी शदीद दर्द होने लगता है, सर दर्द, बुखार, गला खराब, ये कुछ इसकी अलामतें हैं जो शुरू हो जाती है। गला भी खराब हो जाता है, बुखार भी हो जाता है, नाक भी बहने लगता है। सातवीं अलामत है इसकी, नाक का बहना, नाक का बहाव, नाक का में से पानी या मादा, गंदा मादा वो निकलना शुरू हो जाता है। तो ये अलामतें हैं, कोई अलामत इनमें से सामने आ रही हो तो हम देख सकते हैं कि खुदा ना खास्ता ये कहीं हम पे तो इसका असर नहीं हो रहा। गौर कीजिए कि यह सुबह चश्म का वायरस फैलने की वजह क्या है, कैंडिनो वायरस है या गर्म और मरतूब मौसम है, इसमें यह फैलता है। जैसे आजकल ये सितंबर की आखिर में मौसम चल रहा है, आपको पता है पिछले हफ्ते वाले दिन भी सुबह सुबह बारिश हुई, इतवार से भी हुई, कल पीर को भी हुई, तो बारिश हुई, मौसम चेंज हुआ। और अलामतें के आंखें सुरख हो जाती, आंखों में जलन, खारिश, चुभन शुरू हो जाती है, आंखों में से पानी खारिज होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, बुखार हो जाता है, गला खराब हो जाता है, या कई दफा नज़ला जुकाम की जो शक्ल है वो भी अख्तियार हो जाती है। तो अब ये तो इसकी अलामत थी, अतियाती तदाबी, अतियाती तदाबी हम जिनको मद्देनजर रखेंगे ताकि बच सकें, मरहलावार वो हम दर्ज करने लगे हैं, नोट करें ताकि उस पर अमल कर सकें। पहला है साफ माहौल और ज़ाती सफाई, साफ माहौल ज़ाती सफाई, जैसे नहाना, हाथ धोना वगैरह वगैरह, ये बहुत अहम है। नहाया करें, डेली नहाया करें, बल्कि वो सुन्नत तरीका आपको बताया हुआ उससे नहाया करें ताकि बावजू भी हो जाए और सारा जो मसला है वो भी क्लियर हो जाए। तो नहाना, साफ और खुशक कपड़े इस्तेमाल करें, नंबर दो, साफ और खुशक कपड़ों का इस्तेमाल, साफ भी हों, गंदे नहीं होने चाहिए, पसीने की बदबू वाले नहीं होने चाहिए, और गीले पन भी हों तो वो भी इस्तेमाल करने से बचना है, मक्खियों और मच्छरों। नंबर तीन, मक्खियों और मच्छरों, इनकी नशवो नमा वाला जो माहौल है वो खत्म करना है, नशवो नमा का माहौल खत्म, घर में स्प्रे वगैरह करवाएं ताकि ये खत्म हो जाए। ये चीज़ें ज़्यादातर हमारी जो वाचरा है उसमें ये अमूमन तकलीफ दे साबित होती हैं, मच्छर भी फैला रहे होते हैं, मक्खियाँ भी फैला रही होती हैं, इनसे भी बचना होता है। आंखों की सफाई रखें, तेज धूप में निकले तो सर पर कपड़ा बांध कर निकले, आंखों की सफाई, तेज धूप, बाहर जाना पड़ गया सर पर कपड़ा लेकर जाए, सर पर कपड़ा लेकर जाए ताकि आपका वो जो तेज धूप का साइड इफेक्ट होना है उससे बच सके। तो तेज धूप में बाहर निकलने से बचना है ताकि ये साइड इफेक्ट उसका आपके सामने ना आ जाए। नंबर पाँच, अजूम वाली जगह,
हजूम वाली जगह जहाँ लोगों का कट हो, पांच हजूम वाली जगह वहां जाने से रुके, वहां ना जाए, जाएंगे लोग ज्यादा होंगे, किसी का प्रॉब्लम होगा तो ये वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होकर वो फैलेगा, आप तक भी पहुंच जाएगा और फिर खुदा न खास्ता सेहत के खराब होने का चांस बन सकता है। इसलिए हजूम वाली जगह से बचे और हाथ अच्छी तरह धोएं, जब भी किसी से सलाम लें। नंबर छः, हाथों की सफाई, ऊपर भी लिखा है और यहाँ पे खास तौर पर लिख रहा हूँ, जैसे हम आपस में मिलते हैं, सलाम लेते हैं, हाथ मिलाते हैं, जब हाथ मिलाते हैं अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसके हाथ पे भी वो लगा हुआ है, आपके हाथ पे भी लग जाएगा, फौरन अपना हाथ अपने चेहरे पर नहीं भरे, अरे थोड़े साबुन से धोएं ताकि वो चीज़ जो है वो खत्म हो जाए, फिर हाथ आपको की तरफ चेहरे की तरफ ले जाना पड़े तो ले जाए, पर पहले उसकी सफाई करने के बाद। मरीज कोई है आपको पता चल गया, उसकी नंबर सेवन मरीज था, उसने कोई टिश्यू पेपर वगैरह इस्तेमाल किया हुआ है, कोई रुमाल चोटा कोई कपड़ा इस्तेमाल में था उसके, वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं उसको छुएंगे। बेहतरीन तरीका क्या है कि उसका इस्तेमाल, मरीज का इस्तेमाल की वाली चीज़ें जो है इनको जला दें, अगर जला नहीं रहे तो कम से कम जमीन में दफन कर दें, जमीन में दफन कर उनको जला दें या जमीन में दफन कर दें, सामने उनको नहीं रखें क्योंकि वो नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए उनको या जला देना है या दफन कर देना है ताकि उसका साइड इफेक्ट हम पर ना आए। आपके पुराना काल का प्रॉब्लम आ गया है तो चेहरा आंखें बार बार चेहरा धो, बार बार धोए ताकि वो सफाई में रहे और जिस्म साफ हो सके और जरासीम जो है वो आंख उसकी तह के साथ जो होंगे वो खत्म हो सके और आसानी हो सके ताकि आपको कोई प्रॉब्लम उसमें ना बने। कोई मरीज है, चीज़ों का इश्तराक है, नंबर नौ मुश्तरक का चीज, जब किसी की सेहत खराब हो तो वो इस्तेमाल नहीं करते, मरीज की चीज़ों को अलग करके अपनी चीज़ें अलग रखें, वो इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम बनेगा, प्रॉब्लम बनने वो करने से वो जरासीम जो है वायरस जो है वो फैलेगा और आप तक पहुंचेगा जिससे प्रॉब्लम बनेगा। कई लोगों का भी मौसम जैसा स्विमिंग पूल में जाने के शौकीन होते हैं, मत जाए स्विमिंग पूल क्योंकि वहाँ पे जब कोई मरीज दाखिल होगा तो वायरस तो पूरे उस पूल में क्लास में फैला हुआ होगा, आप नहाएंगे तो वो आपको भी चिपट जाएगा, इसलिए इस तरह की कोशिश नहीं करनी कि स्विमिंग पूल में जाएं और वहाँ पे जाकर करें। जब ये सूरत हाल बन जाए तो अब हल क्या है, आई स्पेशलिस्ट, हल आम डॉक्टर नहीं, कोशिश करें कि आई स्पेशलिस्ट, आंखों का स्पेशलिस्ट सर्जन कह लें, उससे रब्ता करें, वो जो मेडिसिन बताए उसको अपने इस्तेमाल में लाएं, आई स्पेशलिस्ट से रब्ता करें और जब उससे रब्ता करेंगे वो जो मेडिसिन देगा जिस अंदाज में देगा उसको इस्तेमाल करना है। वैसे आप रूटीन में अगर देखें आठ से दस दिन में ये ऑटोमेटिकल भी बदल गया, ये मरज जो है ज्यादा से ज्यादा आठ से दस दिन, आठ से दस दिन में इसका खात्मा हो जाता है, पर इसकी सख्ती से बचने के लिए, इसकी तरक्की से बचने के लिए, इसके सख्तपन से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम मेडिसिन को इस्तेमाल करें, जब मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो इस लिहाज से आप जो है इसको इस्तेमाल में लाएं और इस्तेमाल करते हुए इसके मुताबिक चलें। तो आपने ये चीज़ें अपनी कॉपीज़ पर नोट भी कर ली होंगी, हाँ ये चीज़ें आपके लिए दोबारा से दिखा रहे हैं कि अगर खुदा ना कास्ता या शुभ चश्म का प्रॉब्लम बन जाता है तो ये दो वजह से बन रहा है, वायरस की वजह से, मौसम की वजह से। अलामतें क्या हैं, आँखें सुरख हो जाना, जलन, खारिश, चुभन,
आंखों से पानी का बहाव, सर दर्द, बुखार, गला खराब, नाक का बहना, ये कॉमन अलामती हैं। एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। से कौन सी एहतियाती? पहली के साफ माहौल इस्तेमाल करें, ज़ाती सफाई का ख्याल रखें, इसमें नहाना और बार बार हाथ धोना है। कपड़े यूज़ करते हैं साफ हों, खुशक हों, ये मक्खियों और मच्छरों की जो नशोनुमा वाला माहौल है वो ख़त्म करना है। अब गोया कि अपने घरों में या स्कूल में गंदगी वगैरह नहीं फैलानी, उसको भी ख़त्म करना है, और इनसे छुटकारा पाने के लिए स्प्रे वगैरह भी किया जा सकता है। आँखों की सफाई का खास ख्याल रखें। तेज़ धूप में अगर बाहर जाना है तो कम अज़ कम सर ढांप पर जाएँ और जूम वाली जगहों पर मत जाएँ। वहाँ पर जाएँगे तो लोग, कोई मरीज़ होगा तो प्रॉब्लम बन सकता है। हाथों की सफाई रखें। मरीज़ के इस्तेमाल में जो टिश्यू पेपर या कपड़ा है उसको खुद इस्तेमाल नहीं करना, कोशिश करना है कि वो इकट्ठा किसी जगह पे रख के उसको जला दें या ज़मीन में दफन कर दें। अपना चेहरा बार बार धोएं। मुश्तरका चीज़ें इकट्ठी इस्तेमाल ना करें। स्विमिंग पूल से बचें और आई स्पेशलिस्ट से रब्ता करके जो मेडिसिन बताए उसको इस्तेमाल करें, वरना 8 से 10 दिन में तो इंशाल्लाह इसकी शिद्दत ख़त्म हो जाती है। कि आपकी वर्किंग ये गवर्नमेंट इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल 202 RB गट्टी फैसलाबाद के बच्चे हैं जो अपनी वर्किंग कर रहे हैं, और जो ये वबा आजकल चल रही है उससे छुटकारा पाने के लिए अपनी नोट कॉपियों पर नोट किया हुआ है। तो ये वायरस जो है ये फैलने की वजह क्या है? एक वायरस है, उस वायरस का नाम एलिनो वायरस, और दूसरी वजह गर्म और मरतू। इस सिलसिले में हमें कपड़े जो है वो साफ नहीं पहनने चाहिए, गीले भी हों तो कोई अलर्ज नहीं, नहीं गीला कपड़ा हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि खुशक। और इसकी अलामतें भी आप देख चुके, सारा कुछ देख चुके, पढ़ चुके। आप अपने हाथ डायरेक्टो अंग चेहरे पे इस्तेमाल नहीं करते, नहीं कर, हाथ धोने घर जाएं, हाथ धोएं, धोने के बाद। बल्कि इसमें तो एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप नमाज पढ़ते हैं। ये पीछे वो एक वायरस पाकिस्तान में दुनिया में चला था, मगर इस्लाम में कौन सा वाला कोरोना का, मगर इस्लामी दुनिया में बहुत कम चला था। क्यों? वो 5 दफ़ा नमाज पढ़ते थे, हाथ पैर धोते थे, ख़त्म हो जाता था। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपके लिए भी ज़रूरी है कि नमाज की पाबंदी करें। नमाज की तो कम अज़ कम 5 दफ़ा तो वजू करेंगे ही ना, ऑटोमेटिकली सफाई आ जाएगी। तो इस लिहाज से इसको भी रखना मद्देनज़र। और कल ये जो आर्टिकल है ये आपने मुझे लिख कर दिखाना है, दिखाएंगे पक्की बात। चले, शुक्रिया, मेहरबान।